वेलकम टू मुस्कान प्राइवेट आईडिया यूट्यूब चैनल। माय नेम इज घनश्याम। मैं आज आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आप कैसा है और ये इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का डेफिनेशन क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको हमारे यहाँ कौन सी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो है उसके लिए आप अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन क्या होता है, उसके बाद आप इसमें क्या लर्न करते हैं, इसमें क्या थ्योरी और सब्जेक्ट जो भी प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या क्या पढ़ते हैं आप, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लेने के बाद प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्या होता है, फॉरेन जॉब ऑप्शन क्या होता है, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पे, इलेक्ट्रिशियन की डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु इज इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मशीनरीज, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन डेफिनेशन। मतलब कि एक पर्सन, मतलब एक आदमी जो मेंटेनेंस करता है मशीनरी का और इंस्टॉल करता है, उसको हम एक इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। या एन इलेक्ट्रिशियन इज ए ट्रेड्समैन स्पेशलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिल्डिंग ट्रांसमिशन लाइन्स स्टेशनरी मशीन एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ठीक है, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन की, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की जो ड्यूरेशन होती है, या आप कहीं भी आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किसी भी आईटीआई में आप करते हैं तो उसके लिए ड्यूरेशन क्या होती है, तो उसके लिए ड्यूरेशन होती है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये जो कोर्स होता है 2 वर्ष का होता है, ठीक है। ये एनुअल मोड होता है, सेमेस्टर वाइज पहले था लेकिन इस साल से चेंज हो गया है, वो एनुअल मोड हो गया है, ठीक है। इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लेने के लिए आपकी योग्यता होनी क्या चाहिए, ठीक है। कोई भी आईटीआई में आप नाम लिखाने जाते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको 10th पास का योग्यता होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से, ठीक है। किसी भी स्टेट बोर्ड से मिनिमम 10th पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तब आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ले सकते हैं। बात करते हैं विच सर्टिफिकेट, हमारे यहाँ आपको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, एनसीबीटी, ठीक है, नो एससीबीटी। हमारे यहाँ केवल एनसीबीटी से सर्टिफिकेट दिया जाता है, एससीबीटी यानी स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, और एनसीबीटी का होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ एनसीबीटी से मिलता है, ठीक है, सर्टिफिकेट। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आप ले लेते हैं उसके बाद से आप के लिए फ्यूचर में जो है उसके लिए सिर्फ क्या क्या है, तो अप्रेंटिसशिप ऑप्शन है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ऑप्शन में आप किस कंपनी में कर सकते हैं, जैसे BHEL हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, रेलवे अप्रेंटिस हो गया। बात करें रेलवे की तो अभी जो है अभी निकली हुई है साउथ सेंट्रल रेलवे में आपके लिए अप्रेंटिसशिप, यानी जो बच्चा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास कर चुका है वो साउथ सेंट्रल रेलवे में फिल कर सकता है फॉर्म, ठीक है। और बात करते हैं सेल की, सेल में भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, HL में भी कर सकते हैं, इसके अलावा अदर हैं, DRDO है, ऑडियंस फैक्ट्री है, इस सब में आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप इसमें क्या पढ़ते हैं, व्हाट विल यू विल बी रन, ठीक है, लर्न। इसमें आप पढ़ेंगे वायरिंग के बारे में, ठीक है, जैसे रेसिडेंशियल वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग यानी घरों की वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग, ठीक है, और लाइटनिंग इंस्टॉलेशन आप करेंगे, ठीक है, यानी जो लाइट होता है यानी वायरिंग जो होता है घरों में जो लाइट लगाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल आउटडोर्स जितने भी लाइट है इंस्टॉलेशन करना है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी जो बिजली कैसे बनती है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितनी दूरी तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉसेस कितने होते हैं उसमें, ये सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं, बैटरी वर्किंग सर्विस क्या होती है, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस,
जिसके बारे में जैसे मोटर्स, फैंस, पंप्स, अप्लायंस, ये सब इसके रिपेयर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एसी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो आप तो जानते ही हैं, एसी ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके अंदर के पार्ट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, ये सब आप एसी ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, ठीक है। एसी डीसी सिस्टम, एसी को हम डीसी में कैसे चेंज करते हैं, डीसी को एसी में कैसे चेंज करते हैं, ये सब इसके बारे में इलेक्ट्रीशियन में ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या क्या, कौन कौन से मोटर लगे होते हैं, कैसे कैपेसिटर लगे होते हैं, कौन कौन सा स्विच होता है, कैसे रिपेयर करते हैं, ये सब आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पढ़ेंगे। थ्री पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, ये सब जो है आप इसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कि सब्जेक्ट्स, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, थ्योरी में और प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है। थ्योरी की बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी, ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके बाद सेफ्टी कैसे रखना है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ जो चैप्टर्स में आते हैं उसके साथ उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ओम्स लॉ क्या होता है, इसका भी आप प्रैक्टिकल करेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कंडेंसर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, पॉलीफेज, एसी सर्किट्स, हाउस वायरिंग, डीसी मोटर्स, वाइंडिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एसी थ्री फेज मोटर्स, ठीक है। ये सब जितने हैं ये आपके थ्योरी में हैं, और भी हैं जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्कोप के बारे में, तो स्कोप क्या है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में ऑप्शन जो है उसका बात करते हैं। एवरी कंपनी हैज एन इलेक्ट्रीशियन, मतलब जो भी कंपनी है उसके पास एक ना एक जरूर इलेक्ट्रीशियन होगा, मिनिमम की बात करते हैं। जैसे वर्क एज ए लाइनमैन, मतलब हर एक कंपनी में लाइनमैन के लिए होता है, वायरमैन के लिए होता है, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और सर्विस टेक्नीशियन, एक्सपर्ट, रिवाइंडर, लैब टेक्नीशियन, ये सब जितने भी हैं ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। कोई कंपनी है उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से मेंटेनेंस से कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन से कोई है तो उसके लिए उससे वो उसमें कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस फॉर मैन प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर, आप जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने के बाद इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस के तहत आप फॉरमैन तक आप जा सकते हैं, यानी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट करते हैं बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन यानी कि आप पास कर चुके हैं 2 ईयर्स के बाद, आपके लिए गवर्नमेंट ऑप्शन क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट में आप ऑप्शन बहुत हैं, रेलवे है, NTPC है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट। बात करें हम यूपी की तो यूपी में UPPCL है जो TGT2 के लिए निकालती है, ITI के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इसरो की बात करें, इसरो भी निकालता है, इंडियन आर्मी है, इसके अलावा बहुत भी हैं, भेल है, गेल है, HAL है, DRDO है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके लिए गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन है। सेल्फ ऑप्शन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन में अब बात करते हैं, तो आप घरों की जो वायरिंग होती है डोमेस्टिक वायरिंग, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल वायरिंग भी ले सकते हैं, और लाइटनिंग जो 5-star होटल्स हैं उसके लिए, लाइटनिंग के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हैं। सेट अप द वन स्वॉप एंड रिवाइंडिंग डिफरेंस टाइप ऑफ एसी डीसी मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर, पैनल बोर्ड वायरिंग, ETC। आप खुद के घर पे भी आप एक दुकान अपना खुद खोल सकते हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, जनरेटर, मोटर, जितने भी मोटर हैं उसकी वाइंडिंग्स, और फैन का वाइंडिंग, एसी मोटर्स, थ्री फेज, सिंगल फेज, ये सब टुलू पंप जो भी सब है, इसके लिए वाइंडिंग आपको सिखा दिया जाता है, उसके कनेक्शन भी सब बताए जाते हैं। तो इतने सारे आप कर सकते हैं, सीख लेते हैं, तो आप सेल्फ का भी अपना दुकान खोल के आप कर सकते हैं। बात करें फॉरेन जॉब की, तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेने के बाद, मतलब फॉरेन यानी
देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी जैसे दुबई हो गया, हांगकांग हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इतने इतनी आप जा सकते हैं। ठीक है, बात ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। अगर कोई बात हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट कर सकते हैं, जिस पर कि मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।